मथुरा रिफाइनरी एवं इंडियन ऑयल के युवा अधिकारियों द्वारा पहल नाम से एक मुहिम की शुरुआत की गई है, जिसमें पिछड़े गरीबों एवं अभावों के अंधकार में जीने वाले लोगों के जीवन में नई रोशनी लाना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। पहल संस्था समाज में सकारात्मक सुधार लाने के लिए विभिन्न प्रयास कर रही है। इस दिशा में ऐसा ही एक कार्यक्रम है एकत्रण एवं वितरण अभियान, जिसके अंतर्गत टीम ने सर्दियां आने से पहले ही मथुरा रिफाइनरी नगर से 2 हफ्ते के अंदर पुराने कपड़े, खिलौने, जूते, शॉल इत्यादि इकट्ठे किए हैं। महिलाओं एवं पुरुषों सहित बच्चों के करीब 3000 कपड़े मथुरा रिफाइनरी के युवा अधिकारियों के द्वारा कड़ी मेहनत करके पहल मुहिम के अंतर्गत लोगों को जागरूक करके किए गए हैं, जिनको अलग अलग आयु वर्ग में बांटकर डिब्बों में पैक किया गया। नवंबर के दूसरे सप्ताह से इस पहल की शुभारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत डुग्गी झोपड़ियों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ग्लव्स फैक्ट्री एवं मलिन बस्तियां इत्यादि जगहों पर सामान का वितरण निरंतर किया जा रहा है। पहल के स्वयं सेवकों ने आगरा का दौरा करके भी कुछ जगहों को चिन्हित किया है, जहाँ कपड़ों का वितरण किया जा रहा है। जी हम मथुरा रिफाइनरी में कार्यरत ऑफिसर्स हैं। हम देखते हैं कि समाज में काफ़ी तरह की कमियां हैं, कुछ लोगों के पास काफ़ी कुछ है, कुछ लोगों के पास पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने पहल नाम से एक मुहिम शुरू की है समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए। इसके अंतर्गत जो पहला कार्यक्रम हमारा है वो है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ड्राइव का। इसमें हमने क्या किया कि जो हमारी मथुरा रिफाइनरी टाउनशिप है, इसमें हमने सभी से पुराने जो कपड़े हैं या जूते या किताबें, ये सब हमने एकत्रित किया। इसके बाद हमने उसको अलग अलग कैटेगरी वाइज सेग्रीगेट किया है कि जैसे पुरुषों के, महिलाओं के, बच्चों के कपड़े अलग अलग किए। इन कपड़ों को हम जो झुग्गी बस्तियां हैं अपनी या फिर जो मलिन बस्तियां हैं, इसमें हम वितरित करते हैं। अभी तक हम 3-4 अलग अलग बस्तियों में जा चुके हैं, उनको ये सामान जो है वो वितरित कर चुके हैं। इसमें धीरे धीरे हमारे साथ और भी ऑफिसर्स हैं और भी जो यहाँ के निवासी हैं वो जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें बड़ी खुशी है कि हम जिन भी बस्तियों में जाते हैं वहाँ हमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है। उनके चेहरों पर जो खुशी हम देखते हैं उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हमने इसमें अपनी तरफ से कुछ भी पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। जो एक्स्ट्रा चीज़ें अवेलेबल थी, कुछ लोगों के पास ज़्यादा था और उनको उनको यूज़ नहीं था उसका, वो किसी और के लिए लग्जरी है, तो वो चीज़ देख के हमें बड़ी खुशी मिली। जरूरतमंदों को जी कपड़े मिले हैं, जिसको ज़रूरत है उसको मिला है, और उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ा अपनी तरफ से, हमें कुछ टाइम देना पड़ा। जैसे कि हमने जब कलेक्शन किया तो 4 या 5 दिन हमें टोटल उसमें लगा। हमने पूरे रिफाइनरी में ये अनाउंस करवा दिया कि हम ये करने वाले हैं, तो लोगों ने खुद अच्छे मन से जो हैं कपड़े क्लब में दे दिए अपनी तरफ से। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम जो हमारा छुट्टी वाला दिन होता है या शाम वाला टाइम होता है, हम ऑफिस से आने के बाद में वो टाइम अपना यूज़ करते हैं 2-3 घंटे के लिए, और उसी के अंदर हम ये डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं।